फ्रेंड दिस इज आसिफ एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हिल जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है कि एक सेल या फिर सेल ऑर्गनल्स क्या होते हैं तो ये रहेगा सेल ऑर्गेस और उसके फंक्शन का पार्ट टू यदि आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाके देख सकते हो आज इस पार्ट टू में हम जानेंगे मोर अबाउट सेल ऑर्गनल्स और उसके फंक्शंस सो विथ आउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगेन सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर स्टोरेज बैटरीज भी बोलते हैं अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है चलिए इसको भी जान लेते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी एक सेल का वो पार्ट या वो ऑर्गेनल होता है जो कि एनर्जी जनरेशन में काम आता है यानी कि किसी भी एक सेल को एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ये एनर्जी या पावर किसी भी पर्पस के लिए हमारे बॉडी के लिए हो सकता है चाहे चलने के लिए हो चाहे दौड़ने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर स्टोरेज बैटरीज ऑफ अ सेल भी बोलते हैं क्योंकि ये पावर प्रोवाइड करता है एक सेल को और एक सेल की मदद से हमारे बॉडी को ये एनर्जी होती है एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं एटीपी या फिर एडिनो ट्राईफॉस्फेट एडिनोट्राइफोज का एब्रीवेशन ए लिखा जाता है और ये मॉलिक्यूल ही इम्पॉर्टेंट होता है एनर्जी जनरेशन के लिए द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज द बैलेंस ऑफ कैल्शियम आयन माइटोकोन्ड्रिया मेरे बॉडी में कैल्शियम आयन को बैलेंस करने का काम करता है जहाँ पे कैल्शियम आयन जो होते हैं डिफरेंट परपसेज और इम्पॉर्टेंट फंक्शन के लिए हमारे बॉडी को रिक्वायर होते हैं वहीं दूसरी तरफ जो लीवर है उनके जो सेल्स हैं जिनको हम हेपेटोसाइट्स भी बोलते हैं वहां पे ये काम करता है इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया अमोनिया इज एन अनवांटेड एंड टॉक्सिक सब्सटेंस इट कुड नॉट बी अलाउड टू रिटेन इन अवर बॉडी दैट्स वाई गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम लीवर नेक्स्ट वन इज गॉल्जी बॉडीज जिसको हम शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल भी बोलते हैं जिनका अदर सीनोनेम्स होता है गोलजी पैरटस गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर सिंपली इनको बोला जाता है गॉल्जी गोलजी कॉम्प्लेक्स का जो मेन फंक्शन होता है किसी भी एक सेल में वो होता है शिपिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल जैसे कि प्रोटीन्स लिपिड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ सेल टू अनदर पार्ट इसलिए हम इसको शिपिंग डिपार्टमेंट या फिर ट्रैफिक पुलिस ऑफ अ सेल भी बोलते हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है जो कि इस पर्टिकुलर गोल्जी बॉडीज को यूनिक और इम्पॉर्टेंट मेकेजम प्रोवाइड करता है इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है वो ये होता है कि हमारे सेल के अंदर डिफरेंट अदर ऑर्गनल्स होते हैं जिनके सिंथेसिस में ये हेल्प करता है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस या लाइजोजाइम्स नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका एब्रीवेशन ई आर होता है और ये दो टाइप्स के होते हैं एक होता है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस या डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिसमें से पहला होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं कुछ एसेंशियल फंक्शन करने के लिए इनके सिंथेसिस में ये हेल्प करता है वहीं दूसरी तरफ स्टोरेज ऑफ एब्जॉर्ब और सिंथेसाइज मॉलिक्यूल यानी कि ऐसे सब्सटेंसेज जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए हैं उनको ये स्टोर करने का काम करता है अदर देन दिस इट आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स जैसे कि हमने अभी गोल्जी बॉडी में पढ़ा था उसी तरह ही डिफरेंट मटेरियल्स को एक पार्ट के सेल से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है इसके अलावा जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सेंस ड्रग्स यानी कि मेडिसिन या फिर दवाइयाँ इनके भी कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे बॉडी में उनको कम करने यानी कि उनको डिटॉक्सीफाई करने में एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है क्योंकि हम जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं एक होता है रफ और दूसरा होता है स्मूथ तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमको पढ़ना होता है क्योंकि ये मैक्सिमम एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे सो वाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका एब्रीवेशन होता है आर ई आर एंड एस सी आर सबसे पहला फंक्शन यह होता है कि जो रफ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उनके सरफेस पे राइबोजोम्स प्रेजेंट होते हैं वहीं दूसरी तरफ जो स्मूथ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इनके सरफेस पे कोई भी राइबोजोम प्रेजेंट नहीं होता इसलिए इनका सरफेस होता है स्मूथ और वहीं आर ई आर का सरफेस होता है रफ जिसके कारण इनको नाम दिया गया है रफ़ एंड स्मूथ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज जो आर आर होता है वो हेल्प करता है इन सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स वहीं दूसरी तरफ जो एस सी आर होता है वो हेल्प करता है बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट सबसे पहला जो आर ई आर होता है वो डेवलप होता है न्यूक्लियस की न्यूक्लियर एनवल्प से और एसी आर डेवलप होता है खुद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से द ने नैक डिफेंसी दैट जो आर ई आर होता है उनके पास कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के लिए वहीं जो एस आर होते हैं उनके पास एंजाइम प्रेजेंट होते हैं फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और जो लास्ट डिफेंसीन है वो ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनल्स आर आर जो होता है वो हेल्प करता है लाइजोसोम के सिंथेसिस के लिए वहीं जो एस आर होता है वो हेल्प करता है इन सिंथेसिस ऑफ स्पीरोजोम्स ये लाइजोजोम और, और स्पीरोजोम दोनों के दोनों ऑर्गेनल्स हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियो यानी कि सेल ऑर्गेनल्स एंड इट्स फंक्शन के पार्ट थ्री में सो दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन बिटवीन रफ एंडोप्लाजिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब क्या करता हूँ मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को लंबा ना बनाते हुए मैं इस वीडियो को करता हूँ यहाँ स्टॉप सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और अब मिलेंगे हम सेल ऑर्गेन्स के पार्ट थ्री में